सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, मैं बहुत अच्छा हूँ और आज अभी यहाँ पर आके और भी अच्छा हो गया हूँ। द बिग डैडी हाउस, इसमें का मुहूर्त हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि माता पिता का जो सम्मान करते हैं दुनिया में, हर जगह उनका सम्मान सौ गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डैडी के नाम से शुरुआत हो रही है और इस वक्त जो मौसम चल रहा है वो माता जी का चल रहा है, तो समझ लीजिए कि माता जी के सामने पिता जी का सम्मान हो रहा है। द बिग डैडी हाउस, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म से थोड़ा सा इतना कमाएगा कि उनके पास में बहुत सारे हाउस। सुनील जी, आपके पास कितने हाउस है मुंबई में, जरा बता दीजिए। मेरा, मैं अगर बॉम्बे की जितनी लोक संख्या अगर मैं मान लूँ उतने मेरे घर है, क्योंकि हर दिल में मेरा है घर। वाह वाह। तो अच्छा, वो डैडी का है या फिर आपका है वो जो घर है दिल में, दिल वाला जो घर है? मेरे डैडी है, जितनी महिलाएं सब सब मेरी मम्मी है, क्योंकि मैं मीटू का समर्थक नहीं हूँ। वाह। अच्छा, अभी आपकी भी फिल्म आ रही है? हाँ, बिग बॉस फिल्म आ रही है। बिग बॉस बहुत अच्छी फिल्म बनी है, कॉमेडी फिल्म बनी है और इस फिल्म को हम जल्दी रिलीज करने वाले हैं। और फैमिली फिल्म है, आपको पता है कि आजकल फैमिली कॉमेडी फिल्म का थोड़ा सा वैक्यूम चल रहा है, लेकिन हमने कोशिश की है कि एक म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म बनाए, बिग बॉस, जो आजकल के ज़माने को रिलेट करती है और कॉमेडी भी है, पसंद आएगी आपको। बिग बॉस जरूर देखिएगा। अच्छा, हमारे बीच में भोजपुरी के बहुत महान लेखक हैं मिस्टर मनोज हंसराज जी, कुछ बोलेंगे? मनोज जी ये रही। हाँ, ये लिखे थे ससुरा बड़ा पैसा वाला। अच्छा, यही तो ससुरा बहुत पैसे वाला हो गया। तो इस बिग डैडी हाउस के बारे में कुछ बोलेंगे मनोज जी? बिग डैडी बहुत खूबसूरत नाम है और सुनील जी ने उसके बारे में जितना विस्तारित तरीके से उसका वर्णन किया है वो काफ़ी अच्छा है। और इसमें मैं सिर्फ यही ऐड करूँगा कि ये जो नाम हम रखते हैं फिल्म का और वो जब फिल्म बन के आती है, बस लोगों तक उसका मैसेज पहुँच जाए और इस ये सच में हाउस जो हम कल्पना करके जिसके लिए हम इमेजिंग करते हैं कि ये चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ सार्थक हो जाए तो समझ लेंगे आज का मुहूर्त भी सार्थक हो गया। सुनील जी के लिए कोई स्क्रीन पर डायलॉग बताइएगा। सुनील जी के साथ ऐसा कुछ साठगांट नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन जब हम इस तरह मिल रहे हैं ये आने वाले समय का, तो आज 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 का नाइट का डेट ले लीजिए इनसे। अब आज नाइट का डेट ले लीजिए, बुक हो जाएगा। हाँ जरूर। अच्छा, प्रोड्यूसर का नाम है भगवती, तो ये एक और बात होगी, मतलब माँ भगवती, माँ भगवती और माँ भगवती का, माँ भगवती के नाम से किसी चीज की शुरुआत हो और भगवती के आगे प्रसाद लग रहा है तो अच्छा। हमारे बीच में टिकमांसु धुलिया के एसोसिएट डायरेक्टर मिस्टर हेमंत शर्मा भी हैं हमारे साथ में, तो उनसे भी हम लोग। हेमंत शर्मा जी, क्या बधाई दीजिएगा हमारे लिए, बताइए सबको। बस बधाई है, परोपकार का काम हो रहा है, एक फिल्म स्टार्ट होती है तो परोपकार होता है, हजारों लोगों को रोजगार मिलता है एक फिल्म से। मैं चाहूँगा कि ऐसे ही रिदम बनी रहे और आगे ये भी कम्प्लीट करें, इसको रिलीज करें और सक्सेस तो वहाँ से होगी। अभी आपकी कौन सी फिल्म आ रही है आपकी प्रोडक्शन की? अभी मिलन टॉकीज कम्प्लीट हुई हमारी जनवरी में। संजय दत्त वाली फिल्म थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। जी हाँ, वो गड़बड़ हो गई, बिल्कुल गड़बड़ हुई थी, कोई उसमें थोड़ा वाली बात नहीं। एक्चुअली क्या है, ऐसा लगता है कि आपने उसमें एक्टिंग नहीं की इसलिए वो गड़बड़ हो गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना, मेरी दुआएं और हमारी सब टीम की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये हमारे बीच में जयपुर से पधारे हुए मिस्टर